जब हमने ये शुरुआत की थी, जब दीपक ने मुझे नरेशन दी थी, तब मी टू मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था इंडिया में, और आई वॉज अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ इट. मुझे लगता है ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि लोग ये इस मूवमेंट के बाद थोड़े से डर से गए हैं, यू नो, ये सब हरकतें करने से. तो इट्स वेरी गुड. और जब नए लोग जो आ रहे हैं, उनका मिसयूज़ ना होना चाहिए, कि उनका यू नो उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है. लोग अभी थोड़े से डर गए हैं अभी, और ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि अभी न्यूज़ स्टोरीज़ नहीं आ रही हैं ऐसे, यू नो, दे हैव ऑल सेटल्ड डाउन. और जो लोग कहते हैं कि यू नो देर इज़ टू साइड्स टू एवरी कॉइन और ऐसी कुछ का, और ऐसा नहीं होता. इट्स अबाउट प्रेशर, और जो ये सिचुएशन से गुजरता है उन्हें पता होता है कि उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है. और राइट टाइम पे अगर आप किसी प्रेशराइज्ड इंडिविजुअल को आप फोर्स करते हो, या उसे लालच देते हो, या उसे शॉर्टकट दिखाते हो, तो वो यू नो आप वो बौखला जाता है. वो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो सही क्या है और गलत क्या है, कि वो लाइन क्या है जो उन्हें पार नहीं करनी चाहिए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कन्वे. सुशांत और मुझे तो मतलब काफ़ी दबाव आया, बट कुछ लोग खुल के नहीं आए. दबाव आया कि मत करो, आपको सच्चाई नहीं पता है. और ये कमाल की बात यह है कि जब मैंने ये शूट किया था, ये सब उससे पहले हो चुका था, है ना, बट 90% ऑफ द पीपल सपोर्टेड अस कि आप लोग जो कर रहे हैं. क्योंकि हमने क्या किया था कि जब तक सच्चाई हमारे सामने नहीं आती, और इसलिए हमने आईसी कमेटी लिया था. मुझे आप किसी को दंड नहीं दे सकते. सिंटा इज़ अ ट्रेड यूनियन, सिंटा इज़ नॉट अ लॉ बॉडी. हम एक्टर्स हैं, हम एक्टर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे एक्टर्स सेक्सुअली एक्सप्लॉयड होते हैं या सेक्सुअली हैरेस्ट होते हैं, मेल या फीमेल, तो वी नीड टू टेक अ कॉल ऑन दिस. और मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि जब हम एक्टर्स की बात करते हैं, तो अगर हम एक्टर्स का कॉज ले रहे हैं और हमारे लेने की वजह से अगर दो चीज़ें भी अगर सुधर जाती हैं, तो हम जितने लोग मीडिया में हैं, हम सबको इसका बेनिफिट होगा. अगर दो केसेस कम अंडर द विशाखा गाइडलाइंस, सो आर आइडिया वॉज दैट वी वर नॉट ट्राइंग टू मलाइन एनीबडी, बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. इफ़ द इंडस्ट्री वॉज वेरी बैड, इतनी ख़राब होती, तो हम लोग अभी तक नहीं रहते यहाँ पर. लेकिन हाँ, कि 80% लोग अच्छे हैं, तो 20% लोग ख़राब हैं. अब वो जो 20% लोग हैं, उनके अगेंस्ट जो भी केसेस हैं, वो आज खुल के आ रहे हैं, बट हमारे मेंबर्स हैं. वी नीड टू टेक अ कॉल, वी आर आंसरेबल टू देम. एंड हमने वही कोशिश की कि भाई जितना हमारे बस में था हमने किया. अभी तक केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एंड आई मीन बिलीव मी, वो और इसमें कोई मतलब रिलेशन नहीं है. बट सिंस आपने पूछा, तो यस, वी हैव टेकन इट अप. दबाव भी आया, कुछ लोगों ने इनकरेज भी किया, और आज भी कुछ लोग एनकरेज करते हैं, आज भी कुछ लोग दबाव डालते हैं. इस सीरीज में जो मेरा कैरेक्टर है, वो बहुत ही अपोजिट सा कैरेक्टर है. मैं एक ऐसी लेडी हूँ जो मैं खुद भी मीटू मूवमेंट चला रही हूँ, मैं खुद भी लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही हूँ इस सीरीज में. बट जो मेरा मानना है मीटू मूवमेंट को लेकर के, कि अगर आपको किसी ने अप्रोच किया है और अगर आपको चीज़ें नहीं पसंद है, इमीडिएटली यू कैन से नो. आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई यहाँ पे फोर्स नहीं करता है, कोई आपको अपने घर पे ज़बरदस्ती नहीं बुलाता, कोई कॉफ़ी के लिए बुलाता, आप सिंपली ना कह सकते हैं. आपको नहीं करना, आप ना कह दो. लेटर ऑन आप लोगों को ढूंढ ढूंढ कर फिर आप उन्हें ब्लेम करोगे, आपके पास काम नहीं होगा, फिर आप अपने फ्रस्ट्रेशन को लोगों को ब्लेम करके निकालोगे, तो ये गलत है. और जितने सामने वाला इन्वॉल्व है, उतनी आप भी इन्वॉल्व होते हो. अचानक से 10 साल बाद आपको याद आता है कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और फिर आप उसको ब्लेम करते हो. फिर उस मैटर को देखकर बाकी जो लड़कियां स्ट्रगलर्स हैं, जो घर पे बैठी है, जिनके पास कोई काम नहीं, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, एक लड़की उठती है, कोई किसी डायरेक्टर पे ब्लेम कर देती है, कोई प्रोड्यूसर पे, कोई एक्टर पे, ये तो एक तरीके का तमाशा लगा हुआ है. मतलब अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपको न्यूज़ में आना है, आपको कॉन्ट्रोवर्सीज में आना है, तो आपको पता है कि बहुत अच्छा तरीका है किसी पर ब्लेम कर दो, उसके लिए कुछ नहीं लगता. लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि सालों भर की जो इज्जत उस आदमी ने कमाई है, क्योंकि जिस पे आप ब्लेम कर रहे हो उसने 10 साल दिए होंगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके 30 साल की इज्जत आप एक सेकंड में ख़त्म कर देते हो. आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है. सेकंड चीज़, अगर आप कहते हो कि सिर्फ बॉलीवुड में है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हर जगह है. अभी मेरे कुलीग ने बोला कि ये छोटे तबके पे है, बड़े लेवल पे नहीं है, कहीं भी है. अगर लड़की जब तक एग्री नहीं करेगी, कोई आपको यहाँ रेप नहीं करता, कोई फोर्स नहीं करता, कोई ज़बरदस्ती आपको अपने घर में खींच कर नहीं लाता है. सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स.
आप जो कर रहे हो आपके पास दिमाग है, आप 18 साल से कम वाले बच्चे नहीं हो, आप इतने मैच्योर हो, आप ब्लेम करने के लिए मैच्योर हो, लेकिन जब आपके साथ वो इंसिडेंट हो रहा होता है तब आप बच्चे नादान बन जाते हो। लोगों को बहाने चाहिए। ये मी टू वी टू पीपल आस फॉर बेबी कम हियर, बेबी लेट्स डू डिनर, लेट्स गो देयर, ये सब बिलीव मी, मैं भी लखनऊ से आई हूँ एंड मैंने भी 3 साल यहाँ पे स्ट्रगल किया। दिस इज माई फर्स्ट वेब सीरीज, नाउ वर्किंग इन साउथ। ये यस्टरडे आई वॉज सिटिंग एट बंटी वालियाज प्रोडक्शन हाउस, नोबडी वॉज टॉकिंग टू मी लाइक दिस, नोबडी आस्क्ड मी फॉर एनीथिंग, दे टुक माई ऑडिशन, दे आस्क्ड मी सम प्रोफेशनल क्वेश्चन। ये जो बातें करते हैं ना, ये एक्चुअली जिन्होंने ना कभी मूवी बनाई है, ना जिन्होंने कभी एड बनाई है, और ना ही जो कभी बनाते हैं। एंड आई थिंक आप लोग भी शायद इस बात से एग्री करोगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से ज्यादा देख रखा है, आप लोग बहुत टाइम से हो यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बड़े लोग ये सब बोलते हैं। एंड आई विल नॉट से कि बड़े लोग ऐसे नहीं करते, जो मेन लोग काम कर रहे हैं, जो मेन प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी एक दो तो होता ही है ना यार, ऐसा तो सिंपल सी बात है, एक दो तो होता ही है। आई थिंक ईशा आल्सो विल बी एग्री विद दैट। इन्होंने जो बात की पहले तो मेरे शौक, मुझे बड़ा शौक लगा कि ये मतलब इनकी ऐसी कैसी समझ है, क्या इनको ऐसा लगता है कि जो भी अब तक मीटू इतना बड़ा एक मूवमेंट हुआ है, क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? And it started from US, by the way. It's not started from here. और हर कोई लड़की झूठ नहीं बोलेगी। तो एक प्लेटफॉर्म है, तनुश्री की जो आप बात कर रही है, आप तनुश्री का नाम लेके आई, नॉट नेम, मैं किसी को नाम नहीं लूंगी, आप जो भी बात कर रही थी एकदम से आगे खड़ा हुआ, जरूरी नहीं जो बात 10 साल बाद तूल पकड़ी हो, जरूरी नहीं कि वो बात गलत हो। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, और ऐसी बहुत लड़कियां मैं जानती हूँ जिनके साथ ऐसे वाक्य हुए हैं, उनको हैरेस किया गया है चीजों को लेके। और बात ये नहीं है कि आप उसे मना कर दो, ये बात आती ही क्यों है? आपको आपके एक्टिंग के बेसिस पे काम देना चाहिए, ना कि ये आपने जैसा कि बोला कि आप मना कर दो, मना क्यों कर दो, ये बात ही नहीं आनी चाहिए। हाँ या ना करना, जाना या नहीं, उसके तक ये ऐसी बातचीत आना बिल्कुल गलत है। बीच में 2-3 हमारे बहुत ही विख्यात प्रोड्यूसर्स के ऊपर ऐसे इल्जाम लगे, और मैं जिन लड़कियों ने लगाए मैं पर्सनली उन्हें जानती हूँ, तो जितनी समझ मेरी है, जितना मैं उनको जानती हूँ, वो ऐसा अच्छा काम किया है उन लड़कियों ने। तो ऐसे घटिया आरोप सिर्फ छोटी चंद पब्लिसिटी के लिए हर कोई लड़की नहीं करती है, कुछ करती होगी पर हर कोई उसमें से शामिल नहीं। किरदार क्या है कि आई एम प्लेइंग अ पंजाबी पॉप सिंगर, यू नो, ऑन द लाइन्स ऑफ गुरु रंधावा या हनी सिंह, या वो अपना उड़ता पंजाब में जो शाहिद जी का कैरेक्टर था, वेरी सिमिलर टू दैट, जो पूरा ड्रग्स में घुसा हुआ है, वुमनाइजर है, पूरा बैड एस है, मतलब ही इज अ क्रेजी गाय। और वो ये ऐसा क्यों बना, तो इसका एक कारण दिया गया है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चले। हाउ इज द जोश, यू टेल मी हाउ इज द जोश, आई वांटेड टू वॉच इट फॉर द थर्ड टाइम आल्सो, सो जोश इज लाइक वाओ, व्हाट अ सीरीज मैन, सो हैशटैग मी टू रॉक्स। एंड मेरा किरदार उसमें आपने देखा ही होगा, सारी क्लैड लड़की, सिर्फ साड़ी जो पहने वो मैं ही हूँ मी टू में, एंड सोशल वर्कर दिखाई हूँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिखाई हूँ, ज्यादा तो नहीं बताना चाहती अपनी किरदार के बारे में, नहीं तो देखो कि क्या इतना जो अमेजिंग सीरीज बनाई है, सारा किरदार यही बताएंगे तो सब मसाला निकल जाएगा। मैं ये सोचती हूँ कि मी टू जो मूवमेंट है, इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका, मतलब 2 तरीके नहीं, इसके 2 साइड्स होते हैं। एक तो वो जिसमें जेन्युइन स्टोरीज होती हैं, जो लोगों के साथ घटित हो चुकी हैं या घट रही हैं, तो दूसरी है जो फैब्रिकेटेड होती हैं। पहले जो पहला साइड है, उसमें ज़्यादातर जो पीड़ित है वो अपना जो इशू है वो रिजॉल्व करता है काउंसलर्स के पास जाके, या फिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ जाकर जस्टिस मांगता है, ओके, क्योंकि ये एक बीमारी की तरह है जो 10 साल 15 साल पहले हुई थी उस इंसान के साथ, तो जाहिर सी बात है एक बीमारी ही हुई जो 10 साल से उसके अंदर है, लेकिन तब वो शायद बिगनर था या थी, इसलिए वो उस पोजिशन पर नहीं था कि वो मुँह खोल पाए। अब वो शायद थोड़े से ज़्यादा पावरफुल पोजिशन पर है और कॉन्फिडेंटली शायद बोल सकता है। लेकिन जो दूसरा साइड है, जो फैब्रिकेटेड साइड है, उसमें हमारा ग्लैमर, पब्लिसिटी, हमारा मीडिया आ जाता है, जहाँ पे एक ऐसा मुद्दा जो उठाया जाता है, जो हैशटैग मीटू जो रातों रात ओवरनाइट सेंसेशन बन जाता है, तो कई सारे लोग इसे अटेंशन सीक करने का जरिया, या फिर यू नो पब्लिसिटी और ग्लैमर से अपने आप को अटैच करने का जरिया भी बनाते हैं। तो मी टू की जो कहानियाँ हैं जेन्युइन होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन जेन्युइन स्टोरीज को कहीं ना कहीं पहले अपने आप को इंटरनली सॉर्ट करना चाहिए,